धोनी धोनी धोनी, इन जयकारों इन नारों को सुनकर आखिर गौतम क्यों नहीं रहे गंभीर? वेल, वो धोनी 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 थे या कोहली 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 थे, ये बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि दोनों में से किसी एक का नाम गुरु बड़ी जोर शोर से लिया गया और गौतम गंभीर ने रहे। इसके बाद उन्होंने कुछ अपनी उंगलियों को, उनमें से किसी एक उंगली को उन्होंने उठाया और जो दिखाया वो उनके कद के प्लेयर को शोभा नहीं देता। हालांकि गौतम गंभीर दिल्ली से आते हैं, गौतम गंभीर को लेकर असहज हम और आप हो रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें मैदान में शाहिद अफरीदी के साथ बेन स्टोक का भी नाम लेते हुए सुना है, बहुत कुछ कहते बोलते सुना है। गौतम गंभीर अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक सच ये भी कि गौतम गंभीर भारत के महान खिलाड़ी है, मतलब वो खिलाड़ी जिन्होंने दो वर्ल्ड कप जिताया है, एक्चुअली में आपको जिताया है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, गंभीर बहुत बड़े प्लेयर है। लेकिन दूसरा सच ये भी कि गंभीर के नाम पर जितनी कॉन्ट्रोवर्सी है उतनी कॉन्ट्रोवर्सी किसी खिलाड़ी के नाम पर नहीं है। मतलब विराट कोहली से लड़ाई झगड़ा बचपन वाला, हालांकि विराट कोहली को पहला मैन ऑफ द मैच भी गंभीर ने दिया था। विराट कोहली से आईपीएल वाली लड़ाई नवीन उल हक वाली याद कीजिए, हाँ वो भी गंभीर थे। धोनी को लेकर सवाल खड़े करना कि भैया धोनी जो हैं वो अकेले नहीं जिताए थे, युवराज जिताया था, गंभीर। अभी कोहली के एटीट्यूड को लेकर यार इतना मीठा मीठा मैच के बीच में क्यों, सारी चीजें गंभीर। लेकिन यहां थोड़ा सा बात यह है कि गौतम गंभीर जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं एशिया कप में। अब इसको लेकर दो तरह के नजरिया आ रहे हैं। एक नजरिया ये है कि यार पब्लिक को भी मजा आने लगा है, मतलब वो था नहीं मिर्जापुर में डायलॉग की शुरू मजबूरी में किए थे मजा आने लगा है, तो वो वाला डायलॉग जो है वो यहाँ देखने को मिल सकता है कि गौतम गंभीर को देखकर पब्लिक भी चिल्लाने लगती है भैया गौतम गंभीर को देख, कोहली 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 या धोनी धोनी धोनी। और ये इंडिया में भी हुआ था जब आईपीएल चल रहा था, नवीन वाले कांड के बाद खूब सारा हंगामा हुआ था, तो गंभीर को भी रिस्पॉन्ड करने मजा आता है, वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता जो चिल्ला रहा है ग्रुप वो कर देते हैं। लेकिन गौतम गंभीर को लेकर समस्या आती है, गौतम गंभीर पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं और गौतम गंभीर फिलहाल सांसद हैं और बीजेपी से सांसद हैं, दिल्ली से सांसद हैं। ऐसे में उनको लेकर फिर पॉलिटिकल क्वेश्चन भी शुरू आता है कि यार आप, मतलब आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं और आप क्राउड को मिडिल फिंगर दिखा रहे, तो इससे कम तो होगा नहीं। मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि इससे ये हंगामा कम हो जाएगा या आने वाले टाइम में ऐसी उंगलियां नहीं दिखाई पड़ेंगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। बिकॉज क्राउड को बहुत मजा आता है, इस मैच में आपने किया, अब अगले मैच में वो फिर करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे, आप जहां जाएंगे वहां करेंगे। तो या तो आप हर जगह क्राउड को मिडिल फिंगर दिखाएंगे, अगर ऐसा होता है तो फिर आप कर लीजिए, मतलब फिर तो कोई इसका एंड ही नहीं है। दूसरा, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, एक लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन फिर ये भी है कि वो दिल्ली के लौंडे हैं, वो क्रिकेटर भी हैं, तो ठीक है, मतलब अब इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन धोनी और कोहली को लेकर जो खबरें आती हैं वो बिल्कुल फेक नहीं होती, सच होती हैं इनको। कि गौतम गंभीर एक आदमी बहुत बढ़िया है, मतलब एक रुपए में दिल्ली में खाना खिलाते हैं, उनके बारे में काफ़ी बातें होती हैं कमेंट्री में भी। आज बीच में हमने देखा कि पाकिस्तान वाले भी गंभीर की काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि बैलेंस कमेंट्री करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा, उनका एटीट्यूड, उनका एग्रेशन जो है कई बार उनके लिए परेशानी का सबब बनता, और वही परेशानी उन्हें यहाँ देखने को मिल रही है। क्योंकि अब इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गंभीर ट्रेंड कर रहे हैं और गंभीर को लेकर बहुत चर्चाएं हो रही है। वैसे गंभीर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं। आप याद कीजिए अभी भी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, उसमें जब मैच के बीच में तमाम खिलाड़ी एक दूसरे से मिल मिला रहे थे, तो उसमें भी गंभीर ने शिकायत की थी कि यार इतना मीठा मीठा क्यों, मतलब आप प्री मैच या पोस्ट मैच अगर आप दोस्ती यारी करते हैं तो फिर इट्स ओके, बट अगर आप मैच के बीच में इस तरह से जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और काफी एकदम स्वीट स्वीट होते हैं, तो फिर ये सही नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गलत है और इस तरह की हरकतें जो हैं वो आपके डेडिकेशन को लेकर क्वेश्चन करती हैं कि आप कितना डेडिकेटेड हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसी तरह से आईपीएल वाली कंट्रोवर्सी जो थी वो अब तक चल रही है, नवीन उल हक वाली, जब नवीन के लिए लड़ाई लड़ने वो पहुंचे और विराट ने कहा भी था कि यार आप क्यों आए हैं, आपको तो कुछ कहा नहीं, तो उनका ये मेरा प्लेयर है, तू मेरे खिलाड़ी को बोलेगा तो मैं करूंगा, और वो मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया। मतलब अब तक नवीन और विराट वाली लड़ाई जो है वो ख़त्म नहीं हुई है और लगातार चर्चा जो है उसको लेकर होती रहती है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक रहा जिस जो होना नहीं चाहिए था इंडियन क्रिकेट के। अब ये क्यों है पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार इसी वजह से धोनी जो है वो लेजेंड हैं और विराट और गंभीर जो है वो क्रिकेटर रह जाते हैं। दोनों महान हैं, विराट ने भी महानता की सारी हदें पार की हैं, लेकिन हमने एग्रेसिव विराट को भी देखा है जिन्होंने फैंस के पास आकर गालियां दी हैं, बहुत से वीडियोज ऐसे आए हैं जहां पर ब्लंटली उन्होंने बोला है जो हम प्ले नहीं कर सकते, और ऐसी ही कहानियां जो हैं वो गौतम गंभीर को लेकर भी, गंभीर भी कह देते हैं यार, जो कुछ वो कह देते हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी में आता है और एक्शंस
से भी कर देते हैं, इस बार तो सब कुछ कैमरे में हुआ है। अब गंभीर को तीन चार जगह से घेरा जाएगा, एक घेरेंगे उन्हें आरसीबी के फैंस, विराट कोहली के जो लॉयल फैंस हैं वो भी इन्हें घेरने की कोशिश करेंगे, धोनी के फैंस जो हैं वो भी इनके पीछे पड़ेंगे, और साथ ही बीजेपी के खिलाफ जितने लोग हैं वो भी पॉलिटिकली इनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि गंभीर के साथ इतना क्यों होता है? गंभीर मतलब ये वाला बिहेवियर आपको हंसाता भी है और ये वाला बिहेवियर आपको शॉक भी करता है कि यार इतना बड़ा खिलाड़ी जिसने दो दो वर्ल्ड कप जीता है, दोनों वर्ल्ड कप के फाइनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट नॉक थी वो इनकी थी, मतलब युवराज ने सीरीज जिताई, पूरा टूर्नामेंट जिताया, लेकिन फाइनल में इस बंदे रन बनाए, जिसको बहुत रिस्पेक्ट टू करते भी हैं लेकिन बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज भी है। पता नहीं, मुझे लगा हम आप ही से पूछ लेते हैं कि यार गौतम गंभीर की जो ये स्टाइल है ये क्यों है, ये दिल्ली वाले होने की वजह से है, ये उनके अंदर का है, जेलसी है, गुस्सा है, कंट्रोल ना कर पाना है, क्या वजह मानते हैं? क्या वो धोनी से जलते हैं, विराट से, या ये उनका बेसिक स्वभाव?